बाकी काम दोस्तों मेरा हो गया था तो अब क्लीनिंग का रह गया था, तो मैंने सोचा रूम क्लीनिंग करती हूँ। पहले सबसे पहले काम होता है सोफों को झाड़ना, जो उसमें बैठे रहते हैं ना, तो जितना भी करो तो कम ही कम है, डेली करना ही होता है, चाहे उसमें बैठो ना बैठो, धूल इतनी आती कि क्या बताएं। सारे तरफ शीशे हैं पर फिर भी धूल बहुत आती है, हर जगह से धूल धूल है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने दोस्तों साड़ी पहना है, काफ़ी दिन हो गए थे ना टी शर्ट में, तो मन नहीं हो रहा था, तो मैंने आज मौसम भी सही था, मैंने सोचा थोड़ा साड़ी पहनती हूँ। चलिए, थोड़ा काम है बाकी रह रखा, बाकी तो मैंने कर दिया पर थोड़ा सा रह रखा है, उसके साथ करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। चलिए, ब्लॉग में पूरा बने रहिए। अब कर रही हूँ मैं बेड शीट, जो बिछी हुई थी उसको मैंने हटाया, वो गंदी हो गई थी तो उसे धोने के लिए डालती हूँ, तो अब इसको सही से बिछा देती हूँ। मेज की क्लीनिंग करती हूँ, मेज क्योंकि कपड़े से नहीं होता है ना, तो इसे कॉलिन से करना होता है, कॉलिन अखबार से, तो कंच का होता है ना फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर बहुत डस्ट हो जाता है कितना भी करो। अभी जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत धूल आती है, तो धूल अच्छा नहीं लगता ना, कांच के ऊपर दिखता है। तो मैंने सोचा जब मेज कर ही रही हूँ साफ कॉलिन से, तो लगे हाथ सोफों को भी कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े से इतना अच्छा नहीं लगता है ना फ्रेंड्स, तो ये कि कॉलिन से चमक आ जाती है, बहुत अच्छे से चमक जाते हैं, तो मेरा यही होता है, डेली का काम होता है, ये तो डेली हो जाता है, डस्ट बहुत आती है, क्या बताना। तो बाकी तो मेरा कॉलिन का काम हो गया था, अब मेरा शोकेस रह रखा था, मैंने कहा शोकेस को कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये छूट जाएगा, फिर अगले दिन करना पड़ेगा, तो आज ही कर लेती हूँ इसको भी, क्योंकि देखने में ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि धूल जमी रहती है तो अजीब सा दिखता है, तो साफ रहता है ना, अपने दिल को भी सुकून सा मिलता है एक अलग ही। आप बताइए दोस्तों, आपके यहाँ भी ऐसा ही आता है रोज़ धूल? बहुत धूल आता है हमारे यहाँ, क्योंकि घर सामने रोड है ना, घर के सामने तो इतनी धूल आती है ना कि क्या बताना। मुझे तो लगता है अगर 4 दिन घर पे ना रहो ना, तो घर देखने लायक भी नहीं लगेगा, ऐसा हो जाता है घर के अंदर बिल्कुल। वैसे तो आजकल बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का सर्दी के मौसम में, पर काम तो करना पड़ता है। ये मेरा बेडरूम का रह गया था, तो बेडरूम का भी मैंने कहा कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो सुबह कर लिया था, पर फिर भी ना कि सर्दी का मौसम है तो फिर बैठे रहते हैं बिस्तर में, तो फिर होता है नहीं है साफ ढंग से, तो फिर मैंने कहा उठ गए हैं सब, तो अब इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है, फिर बिखरा बिखरा लगता है ना घर, तो यही होता है। बेडशीट आजकल गर्म वाली बिछा रखी है, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है ना, ठंड का मौसम बहुत हो रहा है, तो इसलिए मोटी बेड शीट है गरम वाली। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मोटी बेड शीट, तो मैं तो वेट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि कब गर्मी आए, कब पतली वाली बेड शीट बिछाएं, क्योंकि मोटे कपड़े धोने में भी आफत होती है, बिछाने में भी आफत होती है, अच्छे नहीं लगते। आज का काम निपट गया दोस्तों, मेरा पूरा कमरा क्लीन हो गया है, पूरा शोकेस क्लीन हो गया है, तो आज ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फुल वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच।